सेल्फी तो आखिरकार कैसी है मूवी? तो अगर आपको पता नहीं होगा तो 24 तारीख को एक मूवी रिलीज हुई है अक्षय कुमार और इमरान हाशमी की, जिसका नाम है सेल्फी, और जो एक मलयालम मूवी ड्राइविंग लाइसेंस का रीमेक है। तो ये मूवी बहुत ही ज़्यादा घटिया है, ऐसा मैं बोल सकता था क्योंकि रीमेक है, इस वजह से व्यूज़ लेने के लिए, लेकिन अपन देगा ऑनेस्ट रिव्यू। तो जैसे कि अक्षय कुमार का लास्ट ईयर गया है, आप सबको पता होगा कि उनकी एक्टिंग में ज़्यादा कमी नहीं होती, लेकिन जो ऑडियंस को उनकी स्टोरी और जो स्क्रिप्ट वो चूज़ करते हैं वो पसंद नहीं आता। इसी के साथ साथ मैं पर्सनली एक्साइटेड था इमरान हाशमी के लिए, क्योंकि जो मेरे को इमरान हाशमी की मूवीज़ है वो ज़्यादातर मेरे को उनकी पसंद आती है। लोग इनकी एक्टिंग को नहीं मानते, लेकिन आप इस वाली मूवी में इमरान हाशमी की एक्टिंग को मान जाओगे। जिस तरह से इमरान हाशमी ने एक्ट किया है, जो इमोशनल सीन्स में एक्ट किया है, एक नंबर। इसी के साथ साथ ये मूवी में अक्षय कुमार ने भी एक्टिंग अच्छी की है, एज ऑलवेज वो अच्छी ही कर रहे हैं, और जो दोनों का स्क्रीन टाइम है वो इक्वली, ऐसा नहीं कि किसी का कैमियो है और कुछ कर दिया, नहीं, दोनों का स्क्रीन टाइम इक्वली है, तो इतना कुछ है नहीं। और मेरे को जो ये मूवी के प्लस पॉइंट्स लगे वो थे उसके गाने, भाई ठूस ठूस के नहीं डाले, ज़बरदस्ती गाने नहीं डाले, एंड में जो गाना आता है वही है और वो गाना भी अच्छा है। स्टार्टिंग में जो गाना, तो एक्चुअली गाना नहीं बोल सकते क्योंकि गाने की ऐसी शूटिंग होती है वो दिखाया गया है। तो अगर बात करें इसकी कॉमेडी की, तो हाँ मूवी में कॉमेडी है, आपको अच्छी खासी हंसी आ जाती है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा कॉमेडी है, इन्होंने फोर्स कॉमेडी नहीं डाली, ठूस ठूस के कॉमेडी डालने की कोशिश नहीं की जिसपे हमें बिल्कुल हंसी ना आए, लाइक सर्कस या शहजादा, भाई उस तरह की कॉमेडी बिल्कुल भी नहीं है। ओवरऑल ये मूवी अच्छी है, एक्टिंग डिपार्टमेंट में अच्छी है, स्टोरी ये रीमेक है लेकिन स्टिल उसकी स्टोरी भी अच्छी है, और इसके साथ इसके गाने, तो एक ही गाना है, कुछ फोर्स गाना नहीं है, गाना भी सही है उसका, मेरे को स्क्रीन पे भी पसंद आया। मूवी में एक्चुअली 3 हीरोइनें हैं और 2 अपने हीरो हैं। और बात करें फैमिली ऑडियंस के लिए, तो यहाँ ये मूवी आप फैमिली के साथ देख सकते हो, अगर आपको अच्छा थिएटर एक्सपीरियंस चाहिए तो आप डेफिनेटली ये मूवी जाके चेकआउट कर सकते हो, और अगर आप फ्री बैठे हो और आपको कोई मूवी देखनी है तो आप ये मूवी बिल्कुल जाके देख सकते हो, आपको बोर नहीं होगा और आपको मज़ा ही आएगा, पैसा वसूल ज़रूर होगा। तो अगर बात करें रेटिंग की, तो ये मूवी को मैं देना चाहूँगा 3.5 स्टार में से, मेरे को ओवरऑल मूवी अच्छी लगी, इतनी कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं, आपको बहुत सारा एक्शन देखने को नहीं मिलेगा, बहुत सारा मसाला देखने को नहीं मिलेगा, बहुत सारा डायलॉग भाषी देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन आपको अगर ओवरऑल कोई सेंसिबल मूवी देखनी है तो आप ये एक बार जाके चेकआउट कर सकते हो, आपको मज़ा आएगा, फैमिली को मज़ा आएगा, फैमिली को लेकर जा सकते हो। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, अगर आपको रिव्यू पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मिलता है आपको किसी और वीडियो में, जय हिंद जय मातरम।